दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं टॉप 5 फ्लैगशिप फोन और वो भी 30,000 के अंदर। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5th में आता है OnePlus 7। तो OnePlus 7 में आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले। साथ में यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है, मतलब स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर आपको इस फोन में मिल जाएगा। और इसका रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। और यहाँ पर पीछे में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर दिया गया है 48 मेगापिक्सल का और सेकेंड कैमरा आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का। और इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और लास्ट में इसके बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 3700mAh का बैटरी। तो आप शायद सोचेंगे कि OnePlus 7 को मैंने 5th में क्यों रखा है। इसका रीजन ये है कि OnePlus 7 अभी आपको रिन्यूड आइटम्स में मिल जाता है Amazon में। तो रिन्यूड आइटम का मतलब है, जैसे सोचे कि किसी ने आपका ये OnePlus 7 ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद जब इसने प्रोडक्ट को खोला शायद उसको पसंद नहीं आया होगा, फिर उसने उसी प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया और उसके बाद ये प्रोडक्ट Amazon के पास जाता है, फिर वो फिर से चेक करता है सब अंदर में ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसको मैं भी ठीक करके फिर से आपको भेजा जाता है। तो इसी का मतलब है रिन्यूड प्रोडक्ट। तो इसलिए मैंने इसको नंबर 5 में रखा। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर ये फोन आप लेना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान से लीजिए। अगर आपको इच्छा है OnePlus 7 लेने का तो आप थोड़ा सा चेक करने के बाद और थोड़ा सोचने के बाद ही लीजिए। और इस फोन का अभी प्राइस चल रहा है 26,999 रुपीज में, मतलब 27,000 रुपीज में आपको ये फोन मिल जाता है। तो जितने भी फोन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, हर एक फोन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली फोन को चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट में नंबर 4 में आता है MI Note 10। तो MI Note 10 में आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले। और साथ में यहाँ पर बता दूं कि इसका डिस्प्ले आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है कर्व डिस्प्ले। जी हाँ, यहाँ पर आपको एज मिलेंगे डिस्प्ले में, और साथ में यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक यू शेप का नॉच भी मिलेगा। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, और साथ में यहाँ पर आपको दिया गया है 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ पर इसका कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे 5 कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 कैमरा पीछे देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ प्राइमरी सेंसर दिया गया है 108 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर इस लिस्ट में, मतलब इन पांचों लिस्ट में सबसे बेहतर कैमरा आपको इस फोन में मिलेगा। और ये जो प्राइमरी सेंसर है इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पर इस फोन में आप बहुत ही बेहतर स्टेबल वीडियो ले पाएंगे। और इसका सेकंड कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, और थर्ड में मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, और फोर्थ में मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा, और यहाँ पर लास्ट में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का कैमरा। और यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। तो देखिए, यहाँ पर अगर कोई ऐसा फोन आप लेना चाहते हैं जिसमें आपको बेटर कैमरा सेंसर मिले, अच्छा डिस्प्ले मिले, तो आपके लिए ये फोन सबसे बेस्ट रहेगा। और इसका बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 5260mAh का बैटरी, जिसमें आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये जो चार्जर है ये आपके बैटरी को 0 से 100% चार्ज कर पाएगा ओनली 65 मिनट्स में। जी हाँ, लगभग 1 घंटे के आसपास आपका ये फोन को 0 से 100% चार्ज कर पाएगा। और इसका प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जस्ट रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुआ है। तो जितना हमें लगता है कि ये दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में, अगर ये नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली 2020 में आपको जरूर मिल जाएगा। तो हमें जितना लगता है कि इस फोन का प्राइस 30,000 के अंदर ही होने वाला है। तो अगर आपको ये फोन 30,000 के आसपास या 30,000 के नीचे मिलता है तो सबसे बेस्ट फोन होगा, कैमरा फोन, सबसे बेस्ट कैमरा फोन आपके लिए ये रहेगा। और यहाँ पर हमारी लिस्ट में नंबर 3 में आता है ASUS 6Z। तो ASUS 6Z में आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। जी हाँ, यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। तो ये थोड़ा सा इस फोन का डाउनसाइड हो सकता है। और इसका प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलेगा। और इसका रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB की रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। तो अगर आप इस फोन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको 2 ही डाउनसाइड मिलेगा, एक तो इसका डिस्प्ले और इसका स्टोरेज साइज, मतलब यहाँ पर आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप इसके स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाएंगे तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और इसका कैमरे की बात करें तो यहाँ पर इस फोन का जो कैमरा है ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसका जो पीछे का कैमरा है यही इसका फ्रंट कैमरा है, क्योंकि इसमें आपको फ्लिप कैमरा टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। तो ये एकदम नया टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा इस फोन में। और इसमें जो प्राइमरी सेंसर दिया गया है ये आता है 48 मेगापिक्सल का, और सेकंड कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले
ही बताया कि इसका जो बैक कैमरा है यही इसका फ्रंट कैमरा है। तो फ्रंट कैमरा इसमें आपको सेम मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कैमरा मिल जाएगा। तो कैमरे के लिए यहाँ पर आपको कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। और इसका बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5000 mAh का बैटरी, साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा बिग बैटरी मिलता है। सो परफॉर्मेंस और बैटरी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ नहीं किया गया है। और इसका प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन आपको मिलता है 28,000 rupees में। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं कि जितना भी फोन्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, हर एक फोन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहाँ पर डायरेक्टली जाके फोन चेक कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 2 में आता है Redmi K20 Pro। जी हाँ दोस्तों, Redmi K20 Pro वन ऑफ द बेस्ट फोन है इस प्राइस रेंज में। तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.3 inch का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। और इसके प्रोसेसर की बात करें, क्योंकि यही सबसे मेन चीज है इस फोन का, यहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर। और यहाँ पर इसका रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। और जो इसका कैमरा है, यहाँ पर आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर दिया गया है 48 MP का, और सेकेंड कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है 30 MP का, थर्ड कैमरा आपको मिलता है 8 MP का। और इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 20 MP का कैमरा मिलेगा, और वो भी पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ। तो यहाँ पर पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने की वजह से यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा मिलेगा, एज टू एज डिस्प्ले मिलता है। सो गेम या फिर कोई वीडियो वगैरह आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको इस फोन में मिल जाएगा। और इस फोन का बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000 mAh का बैटरी मिल जाता है, साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। और जो मेन चीज है यहाँ पर इसका प्राइसिंग, तो इस फोन का अभी फिलहाल जिस टाइम मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसका प्राइस चल रहा है 26,000 के आसपास। तो अगर आपको ये फोन ऑन ऑफर कोई भी ऑफर 25,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, तो उस ऑफर में अगर आपको इस प्राइस रेंज में ये फोन मिलता है तो आप जरूर इस फोन को ट्राई कीजिए, ये फोन सबसे बेस्ट होगा इस प्राइस रेंज में। तो ये फोन उन लोगों के लिए जो ज्यादा पबजी वगैरह खेलते हैं या फिर गेम पसंद करते हैं, अच्छा डिस्प्ले पसंद करते हैं, जैसे एज टू एज डिस्प्ले आपको इस फोन में मिलेगा जो आपको किसी भी फोन में अभी तक नहीं मिला है इस प्राइस रेंज में। तो अभी हमारी लिस्ट में नंबर 1 में आता है Realme X2 Pro। जी हाँ दोस्तों, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है Realme X2 Pro सबसे बेस्ट फोन है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसका डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ में यहाँ पर आपको मिलता है 90Hz का रिफ्रेश रेट। जी हाँ, जो अभी तक कोई भी फोन में, मतलब 30,000 के नीचे कोई भी फोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले नहीं मिला है। और साथ में यहाँ पर जो प्रोसेसर है बहुत ही पावरफुल है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर आपको इस फोन में मिलेगा। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर आपको हर एक फोन में मिल जाता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर आपको अभी तक इस प्राइस रेंज में कोई भी फोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 8GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पर आपको और एक चीज ज्यादा मिलता है, वो है रैम। 8GB का रैम आपको यहाँ मिल जाता है, मतलब 6GB वेरिएंट आपको अभी इंडिया में नहीं मिलेगा, एकदम डायरेक्ट 8GB वाला वेरिएंट मिलता है। और साथ में इसका कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर दिया गया है 64 MP का, सेकंड कैमरा आपको मिलता है 13 MP का, थर्ड कैमरा आपको मिलता है 8 MP का, और फोर्थ कैमरा आपको मिलता है 2 MP का। और इसका फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 16 MP का कैमरा मिल जाता है। और इसका बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000 mAh का बैटरी और साथ में 50W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस फोन में मिल जाता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि अभी तक कोई भी फोन में, इंडिया में कोई भी फोन में आपको अभी तक इतना ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिला है, और साथ में 30,000 के अंदर तो बिल्कुल नहीं मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये फोन सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप 30,000 के नीचे कोई फोन लेना चाहते हैं। तो बैटरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो ये जो चार्जर है आपके फोन को 0 से 100% चार्ज कर पाएगा ओनली 28 मिनट्स में। जी हाँ, लगभग आधे घंटे में आपके ये फोन को 0 से 100%
चार्ज कर पाएगा। और इसका प्राइस की बात करें तो अभी आपको ये फोन मिलेगा 30,000 में। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा फोन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है 2019 के एंडिंग में और 2020 के स्टार्टिंग में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके लिए Realme X2 Pro और Redmi K20 Pro ये दोनों ही फोन सबसे बेस्ट रहेंगे परफॉर्मेंस के लिए, कैमरे के लिए, हर एक चीज के लिए। और अगर आप अच्छा कैमरा चाहते हैं तो आपके लिए MI Note 10 सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कौन सा फोन सबसे बेस्ट है, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।